साल के बाद अलवर शहर से जुड़े हुए शिक्षण व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़े कोचिंग सेंटर में बेहतर शिक्षा दिए जाने को लेकर अपने अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे लेकर अलवर न्यूज ने नरेंद्र तिवारी आईएएस अकेडमी के प्रबंधक नरेंद्र तिवारी से खास बातचीत की। इस दौरान अकेडमी से जुड़े नरेंद्र तिवारी ने बताया कि कोरोना काल के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े प्रतिभागियों में नवीनतम तैयारियों को कई तरह की शंकाय व अस्थिरता उत्पन्न होने गई थी। वहीं उनके संस्थान द्वारा प्रतिभागियों को बेहतर शिक्षण माहौल प्रदान करते हुए किताबी ज्ञान को महत्व समझाकर नवीनतम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के गुण सिखाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कोरोना के बाद अब जितना संभव हो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े संस्थानों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान किए जाने के तहत छूट दी जानी चाहिए। साथ ही प्रतिभागी भी अपनी शैक्षणिक प्रतिभाओं को बेहतर उपयोग करें, जिससे भविष्य में वह अपने शैक्षणिक प्रतिभा के बल पर बेहतर से बेहतर मुकाम बना सके। जी देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि जो बच्चे अभी, जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंस्टीट्यूट जो खुले हैं और बच्चे जो आ रहे हैं, तो उनकी शिक्षा या शैक्षिक स्तर है वो बहुत पुअर हो गया है। अभी वर्तमान में जो कॉम्पिटेटिव जो बच्चे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड इतना डाउन है कि उन्हें मैं बताऊंगा, फिर बताना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा कि हमें जबरदस्त लेबर करानी पड़ रही है। बच्चों का फिर भी स्तर वो नहीं आ पा रहा है जो हम, जिस स्तर पर हमने बच्चों को छोड़ा था, वो स्तर को पकड़ने में जहां तक मैं समझता हूं कम से कम हमें 2 वर्ष का टाइम लगेगा। इसलिए वर्तमान में केवल वही बच्चे जंग को जीत पाए जिन्होंने अपनी शिक्षक या शैक्षिक गतिविधियों में निरंतरता दी, ऐसा मैं समझता हूं। और अभी वे बच्चे जो निरंतर स्टडी करेंगे वो जल्दी अपनी लय में और सुरताल को हासिल कर सकते हैं। अभी हाल ही में कोचिंग संस्थान में कितने बच्चे आ पा रहे हैं? अभी इतना रस नहीं है, क्योंकि बच्चे, मैं बता रहा हूं कि बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे भयभीत हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी संख्या में बच्चे नहीं आ रहे हैं। और केवल वही बच्चे आ रहे हैं जिन बच्चों का सिस्टम ऐसा चल रहा है कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो एक्चुअली क्या है, बहुत अच्छा अभी बच्चों का जो रुझान नहीं है इंस्टीट्यूट की ओर। हाल ही में एक ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल हुआ था शिक्षा मंत्री को लेकर के, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि जन्मदिन जैसे अवसर पर 5,000 लोग एकत्रित हो जाते हैं और शिक्षा जैसी संस्थानों को क्यों नहीं खोला जा रहा है, और या कहें कि उसी एक कमेंट के बाद में शिक्षा मंत्री के द्वारा ये सीएम महोदय के द्वारा ये दिशा निर्देश दिया गया कि कोचिंग संस्थान खोली जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस विषय पर? देखिए, कोचिंग संस्थानों के संदर्भ में ये खैर गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट भी जनहित का ही कार्य करती है। मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार आएगी, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई दूसरी सरकार हो, कि वो जनहित के कार्य से कहीं दूर भागेगी। गवर्नमेंट के अपने डिसीजन होते हैं, वो पब्लिक सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि आदरणीय गहलोत जी ने जो डिसीजन लिया होगा, उनकी सरकार ने जो लिया है वो बिल्कुल सही समय पर लिया है। क्योंकि देखिए, ये स्वास्थ्य से संबंधित मैटर है, अगर एक स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ने लगे और स्थिति परिस्थिति को नहीं संभाल सकें तो फिर क्या होगा ना। तो ये बिल्कुल किताबों को हाथी मत लगाना, अच्छे से सोना, तब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि आपने पहले बहुत अच्छी मेहनत की। और खास तौर से मैं उन बच्चों से अपील जरूर करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, वो इस रात को पेपर से पहले, यानी कि सैटरडे रात को बिल्कुल नहीं पढ़े, रिलैक्स हों और कोई डिप्रेशन नहीं, मस्त पेपर देना, सिर्फ ये सोचना कि मैंने काम अच्छा किया है, आगे रिजल्ट क्या होंगे ये ईश्वर के हाथ में छोड़ देना, सिर्फ आप ये सोचना कि मैंने पहले बड़ा अच्छा किया है, अब ईश्वर जो है वो फल देगा, वो मुझे मंजूर होगा, ऐसा सोचो आप लोग, ताकि आप डिप्रेशन की स्थिति में नहीं जाए। आपके माइंड को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की एबिलिटी आप पैदा कीजिए, स्वतंत्र रहने की आजादी दीजिए दिमाग को, और ताकि आपको किसी डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़े। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र तिवारी, निदेशक नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी। और जहां तक मैं समझता हूँ हजारों लाखों बच्चे पढ़ा दिए हैं और अभी वर्तमान में पढ़ा भी रहा हूं, और उसी अनुभव को ध्यान में रखकर के मैं आपको ये संदेश भिजवा रहा हूं इस अलवर न्यूज चैनल के माध्यम से। आप भी इसे धन्यवाद दीजिए और मैं तो इसको बहुत बहुत सादर धन्यवाद दे कर ही रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे विचार को आप तक पहुंचाया, इसके लिए मैं पुनः अलवर न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।